विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई हुई है उससे संबंधित सिलेबस को देखेंगे। और यह जो सिलेबस है ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, इतिहास विषय का। तो इतिहास विषय में आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। विषय इतिहास सिलेबस देखेंगे क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में है। यह पाठ्यक्रम जो है आपका ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, दोनों भाषाओं में है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। आइए देखते हैं इतिहास विषय में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए ये आपका है सिलेबस इतिहास विषय का एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें पुरातात्विक स्रोत देखना है, खोज उत्खननकर्ता, मुद्रा शास्त्र स्मारक और साहित्यिक स्रोत, फिर आपका स्वदेशी प्राथमिक एवं गौण काल निर्धारण की समस्याएं, मिथक आख्यान, वैज्ञानिक विधि, तो ये सब दिया हुआ है। साहित्यिक एवं क्षेत्रीय भाषाओं में जो साहित्य रचे गए हैं उससे जो इतिहास की जानकारी मिलते हैं वह सब आपका दिया हुआ है। यूनानी, चीनी एवं अरब लेखक के बारे में यह जानकारी आपको प्राप्त करनी है। फिर प्रागैतिहासिक काल एवं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है। फिर आपका भौगोलिक कारक, आखेट एवं संग्रहण, नौपाषाण काल एवं तमरपाषाण काल की जो संस्कृति रही है उसके बारे में आपको देखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम, तारीख, विस्तार, लक्षण, पतन एवं उत्तरजीविता एवं लौह युग की द्वितीय शहरीकरण के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है। वैदिक काल के बारे में आप जानते हैं कि वैदिक काल को पूर्ववैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में बांटा गया है, तो यह आपको पूर्ववैदिक काल और उत्तरवैदिक काल की कला, संस्कृति, विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक दशाओं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। फिर महाजनपद काल के बारे में आपको देखना है। महाजनपद काल मतलब 600 ईसा पूर्व का बुद्ध और महावीर का जो काल है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है। और 16 महाजनपदों के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ईरान तथा मेसिडोनिया के आक्रमण और उनका प्रभाव, जो ईरानी आक्रमण हुए हैं साइरस, डेरियस आदि के आदि का, इसके आक्रमण को पढ़ना है और उनका प्रभाव के बारे में पढ़ना है। मौर्य सम्राट के बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करना है, ठीक है, ये सब आपको अध्ययन करना है। फिर आपका मौर्य काल, मौर्योत्तर काल के बारे में आपको देखना है। बाहरी दुनिया से संपर्क, शहरी केंद्रों का विस्तार, अर्थव्यवस्था, सिक्का, धर्म एवं विकास, महायान एवं सामाजिक दशाएँ, कला एवं वास्तुकला, साहित्य एवं विज्ञान, ये सब आपको देखना है। फिर आपका राज्य एवं समाज की प्रारंभिक स्थिति, पूर्वी दक्कन एवं दक्षिण भारत में खारवेल, सातवाहन, संगम युग के तमिल, राज्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, भू प्रशासन, सिक्के आदि, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। गुप्त सम्राट मतलब गुप्त काल को भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये आप लोग देख रहे हैं गुप्त काल का ही पूरा टॉपिक आपके सामने है, ठीक है। बादामी के चालुक्यों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, ये आप लोग देख सकते हैं। बादामी और कल्याण की चालुक्यों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर आप आइए मध्यकालीन भारत के इतिहास के तहत क्या पढ़ना है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो स्रोत है उसको बारे में पढ़ना है। साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण, पुरातात्विक स्रोत, ये सब आपको पढ़ना है। फिर राजनीतिक विकास जो हुए हैं मध्यकालीन में वह भी आपको पढ़ना है। तो देखिए राजनीतिक विकास, सल्तनत काल, गोरी, खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, मुगल साम्राज्य की नींव, मुगल साम्राज्य का पतन, बाद के मुगल और मुगल साम्राज्य का विघटन, विजयनगर और बहमनी राज, मराठा आंदोलन और मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर पतन के कारण मुगलों के अमीर एवं राजपूतों से जो संबंध थे उसके बारे में पढ़ना है। अकबर से औरंगजेब तक जो धार्मिक नीति रही है उसके बारे में आपको देखना है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। फिर देखिए प्रशासन जो मध्यकालीन में जो प्रशासन रहा है उसके बारे में पढ़ना है। सल्तनत के अधीन प्रशासन और सैनिक एवं न्यायिक, राजस्व एवं राजकोषीय सैनिक नीति। देखिए एक बात आप लोगों से कहनी है कि जिन लोगों को मटेरियल चाहिए पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा आपको। जिनको भी चाहिए हम हैंड रिटन नोट्स एंड कंप्यूटराइज नोट्स सब प्रोवाइड करा देंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का, ठीक है। और अन्य विषयों के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, टीजीटी पीजीटी के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा नोट्स हिस्ट्री का मिल जाएगा। जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है और यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318 39 72 76, डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है, तो आप लोग मैसेज जरूर करिएगा। तो देखिए प्रशासन मतलब मध्यकालीन की जो प्रशासन है वह आपको पढ़ना है। सल्तनत के अधीन प्रशासन, सैनिक एवं असैनिक सेवाएं, राजस्व, राजकोषीय नीति, सैनिक एवं सिरसा सूरी के प्रशासनिक प्रसुधार, मुगल प्रशासन, भू राजस्व, राज्य के आय के स्रोत, ठीक है, ये सब पढ़ना। विजयनगर और भमनी राज्य का तथा मराठा आदि के बारे में पढ़ना है आपको। आर्थिक पक्ष के बारे में पढ़ना है, जो आर्थिक उन्नति हुई है, कृषि उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषक वर्ग, शहरी केंद्र एवं जनसंख्या, उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि एवं आधारित उद्योग, संगठन, कारखाना उद्योग,
व्यापार एवं वाणिज्य, राज्य की नीतियाँ, ये सब आपको पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन जो हुए हैं, सूफी आंदोलन, भक्ति संप्रदाय, सिख आंदोलन, ये सब आपको पढ़ना है। इस मध्यकालीन जो समाज रहा है, शासक वर्ग एवं प्रमुख धार्मिक वर्ग, ये सब आपको पढ़ने हैं। इस सांस्कृतिक जीवन के बारे में पढ़ना है, ये सब आप देख लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, सारा जो सिलेबस है टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। अब ब्रिटिश शक्ति का उदय आपको देखना है, फिर कंपनी एवं राजा का प्रशासन, संवैधानिक परिवर्तन 1909 से लेकर 1935 तक, आर्थिक इतिहास जो रहा है मध्यकालीन में, आधुनिक भारत में जो आर्थिक इतिहास रहा है वो भी आपको देखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ईसाई धर्म से संपर्क, नई शिक्षा, राजा राममोहन राय, महिलाओं का प्रश्न, मुद्रणालय, जो प्रिंटिंग प्रेस की स्वतंत्रता रही है, प्रिंटिंग प्रेस की जो पत्रकारिता रही है उसके बारे में भी आपको देखना है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं 1857 की क्रांति से लेकर बाकी अलग अलग जो कृषक एवं धार्मिक आंदोलन जो भी हुए हैं वह सब आपको पढ़ना है। फिर स्वतंत्रता उत्तर भारत में, स्वतंत्रता के बाद जो भारत का इतिहास है वह आपको पढ़ना है 1947 से लेकर 1964 तक, ठीक है। और ये फिर उसके बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ने हैं, इतिहास के पूर्व की दफनाने की प्रथाएँ, मदर गोडसे, विधि संहिताएँ, एथेंस का लोकतंत्र, रोम साम्राज्य, दासता, अभिजात तंत्र, हाँ ये सब आपको पढ़ने हैं। राष्ट्र राज्य, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, डार्विनवाद, फांसीवाद, राष्ट्रमंडल, ये साम्राज्यवाद, रंगभेद, ये सब आपको पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत, ठीक है। चर्च की सर्वोच्चता, पवित्र रोमन साम्राज्य आदि के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। इतिहास में जो अनुसंधान से संबंधित प्रश्न रहेंगे वह भी रहेंगे, तो इतिहास में अनुसंधान का जो सिलेबस है वह भी आप लोग देख लीजिए। इतिहास के क्षेत्र, मूल्य एवं इतिहास में वस्तुनिष्ठता एवं अवनति, ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं, ये सब इतिहास में अनुसंधान से संबंधित सिलेबस रहेंगे आपके, तो इसके बारे में भी आपको देखना है। और वही चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई हैं, तो यह जो PDF है वह हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और जिनको भी मटेरियल चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोगों को।